बदायूं में गेहूं की कालाबाजारी रोकने के लिए जिलाधिकारी ने छापेमारी की और गड़बड़ी मिलने पर दातागंज तहसील में दो सचिव, सेंटर इंचार्ज और व्यापारी पर मुकदमा दर्ज करवाया है। साथ ही उन्हें जेल भेज दिया गया है। गेहूं क्रय केंद्रों पर प्रशासन ने किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं, लेकिन किसानों को उचित पैसा न देकर बिचौलिए पैसा खा रहे हैं। इस काम में क्रय केंद्रों के अधिकारी और कर्मचारी भी लगे हुए हैं। इस बात की सूचना पर जिलाधिकारी ने छापा मार कर कार्रवाई की है। गश्त रखे हैं और गेहूं किसानों का खरीदा जाए, किसान को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं स्वयं भी निरीक्षण कर रहा हूं, मेरे अधिकारी भी निरीक्षण कर रहे हैं। कल रात में हमारे पास सूचना प्राप्त हुई तो एक हमने पकड़ा है, इसमें समरेर में एक व्यापारी मुकेश गुप्ता नाम का व्यापारी है, वो उसको हमारे एक सचिव कमरू अजरुद्दीन जो कमा सोसाइटी पे तैनात है दातागंज तहसील में, उसने बोरियां भी दे दी, सिलाई मशीन भी अपनी दे दी और कहा कि अपना गेहूं भर करके व्यापारी से इसमें बोरियों में सरकारी बोरियों में वो पकड़ा गया। दोनों गिरफ्तार हो गए, खिलाफ FIR हो गई है और थाने में। सर कुछ अव्यवस्थाएँ हैं इसके दूर करने के लिए क्या? कोई भी अव्यवस्था नहीं है, मैं निरीक्षण कर रहा हूँ। हर एक सेंटर पर हमारे बैनर लगा हुआ है, हर एक सेंटर पर पानी की व्यवस्था, हर एक सेंटर पर बैठने की व्यवस्था, हर एक सेंटर पर छाए की व्यवस्था है, बोरियों की और पैसे की भी कोई कमी नहीं। किसानों सबसे अपील है कि वो जाकर के अपना गेहूँ बेचे, कोई दिक्कत हो हम लोग को बताएं। प्रशासन ने दातागंज तहसील के क्रय केंद्रों पर किसानों की गेहूँ खरीदने के लिए सरकारी मुहर लगे बोरे, वजन के लिए मशीन सहित कई उपकरण उपलब्ध कराए थे, लेकिन समिति के सचिव बदरुद्दीन ने आड़तियों से साठगांठ करते हुए सरकारी बोरे और अन्य सामान ओम ट्रेडिंग कंपनी के स्वामी मुकेश गुप्ता को दे दिया, जिसे मुकेश गुप्ता किसानों का गेहूं खरीद कर सरकारी बोरे में भरकर बाहर भेज देता था। पुलिस ने इसमें शामिल सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। बदायूं से राहुल सक्सेना की रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।